नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, प्यार करना कोई आसान काम नहीं होता है। आज के समय में हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर कोई न कोई आशिक जरूर मिल जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जो सच्चा प्यार करता हो, उसे पहचानने के लिए कुछ लक्षण होते हैं। अगर इन लक्षणों को आप जान जाते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं। अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप जिसे प्यार करते हैं वो आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप पूरी तरह से ये जान सके कि आपका प्यार सही है या नहीं। दोस्तों, कहा गया है कि सच्चा प्यार बहुत ही दुर्लभ होता है। वे लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें किसी का सच्चा प्यार मिलता है। प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार मिल पाना बहुत ही आसान नहीं होता। सच्चे प्यार को दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि आजकल लोगों के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। अगर किसी रिश्ते के पीछे स्वार्थ की भावना है या महज शारीरिक आकर्षण, तो ऐसा रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। आजकल अक्सर पार्टनर्स के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर ब्रेकअप होने की नौबत आ जाती है। वहीं तलाक की बढ़ती दर से भी यह समझा जा सकता है कि रिलेशनशिप में समस्याएं जितनी बढ़ रही है, जो सच्चा प्यार करते हैं वे किसी भी हाल में पार्टनर का साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर पार्टनर में कोई कमी हो तो वे उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ते। जिनका प्यार सतही होता है या किसी न किसी मतलब से जुड़ा होता है, उन्हें पार्टनर से रिश्ता तोड़ने में या वो जरा सा भी देर नहीं करते हैं अपने रिश्ते को खत्म करने में। आइए जानते हैं सच्चे प्यार की क्या निशानी है और उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। नंबर एक, समर्पण की भावनाएं। दोस्तों, सच्चे प्यार में समर्पण की भावना होती है। जो सच्चा प्यार करते हैं वो पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पार्टनर की खुशी के लिए वे कोई भी तकलीफ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वही जो लोग मतलब से रिश्ता रखते हैं, उनके लिए त्याग की भावना कोई मायने नहीं रखती। ऐसे लोग कभी भी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकते जिनके पास समर्पण की भावना नहीं होती है। नंबर दो, कोई शर्त नहीं रखना। दोस्तों, कहा गया है कि सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती है। सच्चे प्यार के लिए ये सबसे सटीक बात कही गई है। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वे किसी तरह की शर्त नहीं रखते, किसी तरह की ऐसी मांग नहीं रखते जिसके पूरा नहीं होने पर रिश्ता तोड़ दे। वे अपने पार्टनर को उसकी खूबियों और खामियों के साथ, यानी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई खामी नजर आई तो दूर हो गए। अगर आप किसी शर्त पर किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आपका प्यार बिल्कुल भी सच्चा नहीं हो सकता। नंबर तीन, सच बोलना। जो सच्चा प्यार करते हैं वे पार्टनर से सच हमेशा ही बोलते हैं। अक्सर लोग अपनी अच्छाइयों को ही सामने रखते हैं और बुराइयों को छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले अपनी कमियों को भी साफ बता देते हैं। वे यह उम्मीद करते हैं कि पार्टनर के सहयोग से अपनी कमियों को दूर कर सकेंगे। अगर आपका पार्टनर आपसे सच बोलने की हिम्मत नहीं करता, तो समझ जाइए कि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। नंबर चार, कड़वी बातें नहीं कहते हैं। दोस्तों, सच्चा प्यार करने वाले पार्टनर से कड़वी बातें नहीं करते। वे किसी भी हाल में अपने पार्टनर को दुखी नहीं देख सकते हैं, इसलिए वे पार्टनर की भावनाओं को चोट बिल्कुल नहीं पहुंचाते। वही अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो वे माफी मांगने में भी जरा देर नहीं करते हैं। दिल के सच्चे लोग ही सच्चा प्यार कर सकते हैं।
अगर आपका पार्टनर आपसे हर समय कड़वी बातें करता है तो आने वाले समय में वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोग आपसे सच्चा प्यार कभी नहीं कर सकते। नंबर 5, हर मुसीबत में वो आपका साथ देते हैं। जो सच्चा प्यार करते हैं वे हर मुसीबत में पार्टनर का साथ देते हैं, उसके लिए कोई भी परेशानी झेलने को तैयार रहते हैं। वहीं सतही संबंध रखने वाले पार्टनर के मुसीबत में पड़ने पर किनारा कसी कर लेते हैं। वे सुख के साथी होते हैं, दुख के नहीं। लेकिन सच्चा प्यार करने वाले दुख की घड़ी में और भी करीब आ जाते हैं। दोस्तों, ये 5 ऐसी बातें हैं जो अगर आपके पार्टनर में ये गुण मौजूद हो तो आप उससे प्यार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही सच्चा प्यार करने लायक होते हैं और इस पर आप भरोसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।